मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सूबे की सियासत में भी उबाल आ रहा है। एक और जहां ममता बनर्जी सहित पूरे विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बंगाल में होने वाली इस चुनाव कुश्ती में बाजी कौन मारेगा। दरअसल एबीपी न्यूज सीएनएक्स ने इसको लेकर एक ओपिनियन पोल कराया है, जिसके मुताबिक चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज सीएनएक्स पोल के मुताबिक बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और यहां बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। पोल कहता है कि इस बार फिर राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी चुनाव में बाजी मारती दिख रही हैं। पोल के मुताबिक ममता की पार्टी टीएमसी को इस चुनाव में 151 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 117 सीटें मिलती दिख रही हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2016 के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा जरूर करने जा रही है, लेकिन जिस सपने को बीजेपी पिछले कई सालों से देखती आ रही है, वो इस बार भी सपना ही रह सकता है। वहीं सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को इस चुनाव में मात्र 24 सीटें ही मिलेंगी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं 2016 के नतीजों पर नजर डाले तो पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल चुनाव आयोग कभी भी बंगाल के चुनाव की रणभेरी बजा सकता है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में चली आ रही राजनीतिक गतिरोध और अधिक बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इस बार बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा जरूर किया है। खैर, बंगाल की सीट पर कौन काबिज होता है, इसका तो पता चुनाव होने और नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। ब्यूरो डेस्क, स्टोरी हाउ। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का।